फोन द्वारा भी इंक्वायरी ली जा सकती है क्या इस नंबर पे? अच्छा, तो ये देखिए, ये अच्छा हो गया है, पूछताछ में जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप फोन करके झकरकट्टी बस अड्डा से किसी भी गाड़ी के आवागमन के लिए जानकारी ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल नया एसी प्रतीक्षालय बन चुका है, तो चलो अगर ओपन हुआ है तो यहाँ चलकर देखते हैं अंदर कैसा नज़ारा है यहाँ का। महिला प्रसाधन, पुरुष प्रसाधन भी है और साथ ही विश्रामालय विद एसी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी ब्लॉक फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस समय खड़े हुए हैं कानपुर के सबसे बड़े बस अड्डा झकरकट्टी बस अड्डा पे। इसे कानपुर कहें या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा माना जा सकता है, क्योंकि यहां से पूरे प्रांतों के लिए यहां से बसें उपलब्ध होती हैं। तो आप ब्लॉक में बने रहिए और आपको हम यहां दिखाते हैं कि कहां से कहां तक के लिए कौन सी बसें यहां से मिलती हैं, किस जिले के लिए, किस प्रदेश के लिए। दोस्तों, अगर आप कानपुर आते हैं और कानपुर से आपको प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाना हो या देश के किसी भी प्रदेश में जाना हो तो यहां से झकरकट्टी बस अड्डे से आपको बसें उपलब्ध हो जाएंगी। आपके सामने खड़ी है ये इटावा, डुमरियागंज और कानपुर के लिए गोंडा, उतरौला, लखनऊ, साथ ही यहां बढ़नी तुलसीपुर, बढ़नी कानपुर के लिए जाने वाली गाड़ी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दोहरी घाट मुबारकपुर कानपुर के लिए बस है। हम इधर जब बढ़ते हैं आगे तो इधर आपको मिलेगी गाजीपुर डिपो, आज़ाद नगर डिपो है और इस साइड में आपको देखने को मिलेगी फतेहपुर डिपो की बसें। और फतेहपुर डिपो की बसें जहां लगती हैं उसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको बांदा, महोबा जाने वाली बसें मिल जाएंगी। और ये देखिए, आपको यहां से देखने को मिलेंगी बांदा डिपो, विंध्याचल डिपो, महोबा डिपो। तो कानपुर आते हैं तो आपको झकरकट्टी बस अड्डा की लोकेशन बता दूं, ये कानपुर रेलवे स्टेशन यानी घंटाघर से मात्र 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और अब यहीं झकरकट्टी बस अड्डा के पास से शायद मेट्रो का कार्य कुछ चल रहा है, तो वो आपको देखो बसों के पीछे आपको ये दिखाई पड़ेगा। बस स्टेशन पर कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है और ये आपको जो नीली छतरी वाला पुल दिखाई पड़ रहा है ये नया पुल है जो क्रॉसिंग को, रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग जो है पास में ही, उसको क्रॉस करते हुए दूसरी साइड को जाता है। और ये देखिए, आपके सामने राट डिपो खड़ी हुई है। प्लेटफार्म नंबर 9 से आपको बांदा, हमीरपुर, राठ और महोबा के लिए बसें मिलती हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। वाओ, वाटर एटीएम। आपके कितने? 4 हैं। गाड़ी नंबर 1 और ये देखिए, आपके सामने लगी है सुल्तानपुर डिपो, साथ में ही कौसम्बी डिपो। हाँ, एसी बसों का भी संचालन शुरू हो गया है, तो आपके सामने जनरत उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ी आपके सामने लगी हुई है। इधर इलाहाबाद जाने के लिए लीडर रोड डिपो जनरत यहाँ सामने। और जैसा कि आपको सुनाई पड़ रहा है साइड से लगातार अनाउंस किया जाता रहता है कि कौन सी गाड़ी किस समय और किस प्लेटफार्म पे खड़ी है और आप ससमय अपनी गाड़ी, अपनी सीट को कंफर्म करें। और यहां आपके सामने है सेंटर बस स्टेशन झकरकट्टी कानपुर की समय सारणी, यहां सभी बसों के संचालन की पूरी जानकारी है, साथ ही किराया सूची भी आपके सम्मुख है। और
जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल कोरोना के लिए हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं। आगे आपको दिखाते हैं, ये है कानपुर से चलने वाली एसी बसों की समय सारणी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सामान्य बसें का ही संचालन होता है, हर एक प्रांत के लिए आपको यहाँ से एसी बसों का भी संचालन देखने को मिलेगा। ये साधारण बसों की समय सारणी है, साथ ही किराया सूची भी है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी ज़रूर आपके काम आएगी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टूर रहा जकरकटी बस अड्डा का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।